D5 हिंदी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपने कभी मंदिरों और घरों में हवन पूजा धार्मिक आयोजनों में कपूर का प्रयोग किया जाना तो देखा ही होगा। यह सिर्फ पूजन में नहीं बल्कि कई समस्याओं से हमें छुटकारा भी दिलाता है। कपूर के इतने फायदे आज हम आपको बताएंगे कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और सिर्फ धार्मिक कार्यों के अलावा भी आप कपूर का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। घर में अगर मच्छर और कीड़ों को भगाने के लिए आप थोड़ा सा कपूर शाम को जलाते हैं तो मच्छर मक्खी आदि दूर हो जाते हैं। सिर में दर्द होने पर अगर आप थोड़ा सा कपूर घी के साथ मिलाकर माथे पर लगाते हैं तो दर्द से राहत मिलती है। कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर मुहासों और दाग धब्बों पर लगाते हैं तो जल्दी फायदा होता है। खुजली और अन्य त्वचा रोगों में भी इसका बहुत लाभ है अगर आप इसे नारियल तेल के साथ यूज करें। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को कई प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। यदि शरीर में सूजन या मांसपेशियों में दर्द है तो उस जगह में थोड़ी देर आप कपूर मलें। तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से लाभ पहुंचता है। त्वचा में जलन होने पर कपूर को प्रभावित जगह पर पानी से अगर आप मिलाकर लगाते हैं इससे जलन कम होती है, साथ ही संक्रमण का डर भी खत्म हो जाता है। यदि एड़ियां फट गई हैं तो कपूर को गुनगुने पानी में मिलाकर कुछ देर एड़ियों को उसमें डुबोकर रखें। इस पानी में आप एक चुटकी नमक मिलाएं, फटी एड़ियों से जल्दी ही राहत मिलेगी। माना जाता है शाम को कपूर अगर आप जलाते हैं तो घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। कपूर को जैतून के तेल के साथ मिलाकर बालों में लगाएं, इससे तनाव कम होता है और रक्त संचार बढ़ता है। सर्दी खांसी से बचाव के लिए कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर सीने पर लगाने से जल्दी आराम मिलता है। कपूर के तेल की मालिश करने से गठिया की समस्या दूर होती है। बालों में रूसी या बाल झड़ने की समस्या दूर करने के लिए नारियल तेल और कपूर का मिश्रण एक कारगर उपाय है। कपूर में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो रूसी को कम करते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। कपूर को गर्म पानी में डालकर उससे निकलने वाले भाप सूंघने से कफ से जुड़े रोग और जुकाम में लाभ मिलता है। तो आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे कि कपूर के इतने लाभ भी हैं, क्योंकि आज तक तो हम सिर्फ इसका पूजन सामग्री में ही प्रयोग करते थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कपूर से और कौन कौन से फायदे हुए।